बड़े अरसे बाद कोई ड्रामा ऐसा है जो टीवी पे मुझे मैं टीवी पे देख रहा हूँ बहुत अरसे बाद और वो जिसमें आप भी कमाल काम कर रही हैं और बा... मैं और बेगम रात में देखते हैं तो हम हर कैरेक्टर को डिस्कस भी करते हैं ये देखा हुआ है कहीं कि वो खाला लग रही है और फहाद भाई का भी ग्रेट कम और मुस्तफ़ा के लिए एक बार बहुत कमाल काम कर रहे हैं हानिया फहाद इमाद, everyone is doing a good jobber, और सबसे मैं आपको नई जो लड़की है वो 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 भी बहुत अच्छा भाई होती है ना मुझे हमारी दोस्त खुश वक्त कह लेंगी वो सीन खा जाती है क्योंकि तो वो नई है और इतना अच्छा वो न्यूयॉर्क से वो फिल्म पढ़ के आई भी है तो हम तो ये करते ही रहे हो चुका के बच्चे हैं पहली दफा मेरे लिखे हुए हाँ, प्ले में आया था अच्छा, अच्छा डेब्यू अच्छा, मेरे लिखे प्ले में आया था और उसके बाद शरियार मुनवर और हमजा अली अबासी भी मेरे एक सीरियल में जो मैंने लिखा था आप हजारों प्ले कर चुकी होंगी मैं अगर कहूँ आपको कि आज से जो पच्चीस साल पुराना प्ले था या तीस साल पुराना आपका प्ले था वो और ये काम के लिहाज से कौन सी बड़ी क्रिएटिव चीज ज्यादा है देखिए मैं तो एक कैरेक्टर एक्टर हूँ बिल्कुल मैं सत्ताईस साल की थी और मैं आंगन टेढ़ा की बुद्धि बनी थी

मैं कोई टिपिकल हीरोइन टाइप नहीं थी वो भी, भी, भी बनती थी मैं हाँ। गाने भी गाती थी मैं गाती थी बहुत ज़्यादा पहले तो तो उसके बाद मुझे ये चस्का भी पड़ गया और मुझे इसके मौके भी मिले कि मैंने बिल्कुल स्कोर किया मैं सिखनी बनी जैक्सन हाइट में मैंने बीड़ी पीने वाली सिखनी बनी फिर उडारी में शीदा बनी वो गाने वाली बनी जो फिर विलेज सिंगर फिर सैमा चौधरी बनी तो मतलब मैं उस अपने आप को उस चीज़ में कभी

मतलब मैं हीरोइन लुकिंग तो थी ना <laughs> तो वो तो थी <laughs> साहब का तो घंटे मुंह बंद नहीं हुआ है <laughs> देख रहे हैं। और गाती जो थी हर वक्त निसार बजमी साहब के गाने गाए सुल राणा साहब के न्याज अहमद साहब के मुजाहिद हुसैन के अख्तर अख्तरल के जावेद मतलब जितने बड़े कंपोजर थे यहाँ लाहौर में वजीर अफजल जो बहुत ही मुश्किल क्लासिकल बनाते थे उनके गाने गाती थी मैं मुझे क्या ही पता मैं तो गाई आप थी। ये सब छोड़ेंगे तो आप करती थी सिंगर एक्टर, सब कुछ आपने हमारे दौर में जब हम स्टैंड कॉमेडी करते इसमें भी हमें कॉम्पिटिशन देना शुरू कर दिया इतना अच्छा शो किया आपने स्टैंड अप कॉमेडी का इस इसका किसने बताया आपको बताया हाँ ये बड़ी रज की बात हाँ. थी जब मैंने देखा तो मैं डर गई मैंने ये क्या काम है <laughs> नहीं एक्चुअली बहुत दिनों से दावर मुझे कहते रहते थे अच्छा। मुझे था कि अच्छा देखती हूँ फिलहाल क्या पता नहीं हड़ताल हो जाएगी या पता नहीं लोग आते आ, नहीं, नहीं आते पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा क्योंकि हालात ऊपर नीचे होते थे हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ तो वो अच्छा रहा एक तो थोड़ी सी मैं घबराई पहले मैंने इंडियन लड़कियों को देखा तो वो तो भी बातें करी और मैंने कुछ पाकिस्तानी लड़कों को भी देखा वो भी जरा बहुत बोल्ड थे तो मैंने कहा नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा मेरा पोर्टफोलियो जरा और है दूसरे हाँ। तो फिर मैंने जो भी कुछ बुना अपने अराउंड, अपनी फैमिली के अराउंड तो दिन किया। तो एक अच्छा लिखा बता महमूद उन्होंने कुछ तो किया मुझे उसने धक्का बहुत दिया भाग जाती थी दोबारा करना चाहती हैं मैं फिर कर सकती हूँ मैं आपको अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा और मुझे ये लगा थोड़ा सा अपनी एक आ, आ, स्ट्रेंथ को मैंने समझी रिविजन पे डाला एट दिस एज आई मीन ओवर 60 आई एम ओवर 60 एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट मैं डेढ़ घंटा रोज खड़ी होकर बगैर स्क्रिप्ट के लोगों को हंसा रही थी और बताइए कितनी तो, बड़ी चैलेंजिंग बात मेरे है मेरे लिए ये बड़ी बात है दिस इज अचीवमेंट